नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और चलिए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें धुआंधार। सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ में माफिया अतीक ने कबूली आईएसआई और लश्कर से रिश्ते की बात, अब अतीक एटीएस के रडार पर। बेटे असद की मौत पर रात भर रोया माफिया अतीक, पुलिस पूछताछ के दौरान अतीक ने कहा मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पहले राउंड में अतीक और अशरफ ने 7.5 घंटे हुई पूछताछ और पुलिस टीम आज अतीक और अशरफ को लेकर कई जगह कर सकती है छापेमारी। विशपाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, बरेली जेल में रची गई थी हत्या की साजिश, अतीक के आदेश पर बरेली जेल जाकर असद ने अशरफ से की थी मुलाकात। बरेली जेल में अशरफ से असद की हुई थी 2 घंटे 10 मिनट तक बातचीत और 11 फरवरी 2023 को असद अपने 8 साथियों के साथ अशरफ से मिला था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस रिमांड में अतीक ने कबूल किया विशपाल हत्या में था उसका हाथ, अतीक और अशरफ से पूछे गए 200 सवाल। दिल्ली में एक पूर्व सांसद ने की थी असद की मदद, सूत्रों के हवाले से खबर, अतीक के कहने पर की सहायता और अंडरवर्ल्ड से भी अतीक के संबंधों का खुलासा। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की खोदी जा रही है कब्र, प्रयागराज के कासरी मजारी इलाके के कब्रिस्तान में होगी असद का अंतिम संस्कार और दादा फिरोज अहमद की कब्र के नजदीक असद को दफनाया जाएगा। प्रयागराज में असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक अहमद, डीएम के यहां भी दाखिल नहीं हो सकेगी अतीक अहमद की फरियाद, न्यायिक हिरासत में जेल में रह रहे लोगों को ही पेरोल देने का डीएम को अधिकार। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कर सकती है सरेंडर, वकील के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर करने की फिराक में शाइस्ता, बेटे असद को अंतिम बार देखना चाहती है चेहरा। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वाले सतीश पांडे को पुलिस ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पर गुड्डू मुस्लिम के ठिकानों पर दी जा रही है दबिश। सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह ने असद को बताया बच्चा और एनकाउंटर की हाईकोर्ट में केस सिटिंग जज जांच करने में की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। निकाय चुनाव को लेकर बसपा जारी कर सकती है पहली लिस्ट, पहले चरण के चुनाव के लिए कई मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों के घोषित हो सकते हैं नाम। वाराणसी से शारदा टंडन होंगी आम आदमी पार्टी की मेयर की उम्मीदवार और वाराणसी महिला विंग की महानगर अध्यक्ष बनी मेयर उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, कहा बाबा साहेब की जयंती पर सशस्त्र नमन, वंचितों को बाबा साहेब ने दिलाया हक। आज देश भर में मनाई जा सकती है अम्बेडकर जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को दी है श्रद्धांजलि, उनकी प्रतिमा पर भी किया है पुष्प अर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को नमन किया। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहा और कहा कि बाबा साहेब का योगदान हम सबके लिए पथ प्रदर्शक। उन्नाव में बुजुर्ग का लाइव आग लगाते वीडियो हुआ वायरल, 12 मार्च को दबंगों से परेशान बुजुर्ग ने किया था आत्मदाह और बुजुर्ग की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत। श्रावस्ती में दिखा आपका तांडव, अज्ञात कारणों से आधा दर्जन कच्चे मकानों में लगी भयंकर आग, आग की चपेट में आकर घर जलकर हुआ खाक, ग्रामीणों में मचा कोहराम, घटना सिरसिया थाना क्षेत्र के गांव का मामला। हरिद्वार में 5 लाख रुपए की कीमत से बनी सड़क की ग्रामीणों ने खोली पोल, सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही हाथों से उखड़ने लगी और वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एलएलबी के छात्र की मौत और मंदिर के परिसर में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिली अवैध शराब, 2 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत, पुलिस ने शराब के साथ ही 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में निकाय चुनाव से पहले शराब तस्करों पर शिकंजा, आबकारी विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के घर में बने तहखाने से 107 पेटी शराब की जब्त। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पशु तस्करों पर की कार्रवाई, 7 पशुओं से लदा वाहन पकड़ा और पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा और एक तस्कर फरार। खटीमा में आयोजित बैसाखी मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। इस दौरान पंजाबी महासभा ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उधम सिंह नगर में धर्म प्राची पर नाप में घट तौली देखी गई है। पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 6 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। आरोपी राइस मिल को लगा चुके हैं लाखों का चूना। उधम सिंह नगर के सितारगंज का मामला। श्रद्धालुओं के घर द्वितीय और तृतीय केदार के द्वार खुलने की तारीख तय और 22 मई को 11:30 पर खुलेंगे द्वितीय केदार। भगवान महादेश्वर महामहेश्वर मंदिर के कपाट और 26 अप्रैल को 10:50 पर मिथुन लग्न में खुलेंगे तृतीय केदारनाथ के धाम। चारधाम यात्रा में बंपर रजिस्ट्रेशन से इस बार गढ़वाल विकास मंडल विकास निगम को भी बड़ा फायदा। यात्रा शुरू होने से पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम की 9 करोड़ रुपए की बुकिंग। शीघ्र में एक खस्ता हाल सड़क पर ग्रामीणों में रोष और ग्रामीणों ने रोके रेल परियोजना के ट्रक और वाहनों को आवाजाही में से मार्ग खराब होने पर जताई नाराजगी। गाड़ू घड़ा कलश यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। बद्री केदार मंदिर समिति के धर्मशाला में गाड़ू घड़ा को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान भगवान बद्री नारायण का भोग प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया गया। रुड़की एआरटीओ कार्यालय में चारधाम यात्रा जाने वाले कर्मशिलाएं वाहनों की गए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था शुरू और चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहन संचालकों को ग्रीन कार्ड बनवाना होगा अनिवार्य। हरिद्वार में बैसाखी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र को बांटा गया है 15 जोन सुपर जोन में। कोरोना के खतरे को देखते हुए गाइडलाइन भी जारी की गई। विकासनगर में बैसाखी पर्व के साथ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में भी बिस्सू पर्व की शुरुआत और बुरांस के फूल महाशु महाराज के अर्पण कर महिलाएं बुजुर्ग और बच्चों का पहाड़ी गानों पर नृत्य। गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को दिए निर्देश। बच्चों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। क्लास रूम को भी सैनिटाइज किया गया और अपील की गई है गाइडलाइंस का पालन करने की। महाराजगंज में आग की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग और गाँव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट मैनेजर हत्याकांड का खुलासा। 7 हत्या आरोपियों के खिलाफ दर्ज था मुकदमा। पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। गोरखपुर से लूट के 2 आरोपी अरेस्ट और दिल्ली में बुजुर्ग महिला की थी हत्या। 7.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर हुए थे फरार। सोनभद्र में अपराध शाखा को मिली है बड़ी सफलता। खनन मामले में वांछित 7 गिरफ्तार। चेकिंग की लोकेशन देकर पास करते थे ट्रक। फतेहपुर जिले में पुलिस का छापा। बदमाशों की यहां तलाशी ली गई है। 37 अपराधियों के घरों में तलाशी। नोएडा में हंगामा और हाई टेंशन। खंभे पर चढ़ा युवक और यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिहा करने की कर रहा था मांग। प्रतापगढ़ में मुजफ्फरपुर चौकी प्रभारी संदीप सिंह सड़क दुर्घटना में घायल। पुलिस लाइन से ट्रेनिंग करके साथी संकार से जा रहे थे पुलिस चौकी। बेकाबू ट्रैक्टर से हुई थी टक्कर। बिजनौर के जंगल में फंसा गुलदार। किसानों ने लगाया था जाल और वन विभाग की टीम जंगल पहुंची। प्रतापगढ़ में मालगाड़ी हुई डिरेल। 58 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैक पर लाने की कवायद जारी। बरेली में प्रभावी मतदाता सम्मेलन के जरिए हर वर्ग तक पहुंचने का भाजपा का प्रयास और 17 तारीख के बाद आएगी पार्षदों और मेयर के कैंडिडेट की लिस्ट और टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन लगी। मुरादाबाद में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी का बयान। अतीक अहमद जैसे माफिया अखिलेश यादव के पाले हुए थे और गुंडों चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए बर्खास्त नहीं जाएगा। मिशन विपक्षी एकता को धार देने में जुटे हैं राहुल गांधी। मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से जल्द कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष को एक करने के खरगे का और राहुल के प्रयास का सांसद संजय राउत ने किया स्वागत और बोले 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से उनकी आवास पर जाकर की मुलाकात। विपक्षी एकता पर हुई चर्चा।
दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश पत्रकारों से बोले, विपक्षी एकता के लिए किया जा रहा है प्रयास। दिल्ली में सभी लोगों से अच्छी बातचीत हुई है, आगे भी चर्चा होगी, फिर निर्णय पर पहुंचेंगे। नीतीश के दिल्ली दौरे पर चिराग पासवान का तंज, कहा बिहार संभल नहीं रहा, नीतीश तो विपक्ष को कैसे करेंगे एकजुट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का फिर पीएम का डिग्री को लेकर बीजेपी पर निशाना, कहा कि अगर सीआईसी कहती है कि पीएम की डिग्री देनी चाहिए तो गुजरात यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट क्यों चली गई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला, कहा विपक्षी पार्टियों ने देश के अंदर मुसलमानों में सिर्फ खौफ भरने का काम किया है। मोदी का आज असम दौरा, एम्स और 3 नए मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समेत 14,300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। देश में डराने लगी है कोरोना के तेज रफ्तार, 8 महीने बाद एक दिन में मिले हैं 10,000 से ज्यादा नए मरीज, एक्टिव केस बढ़कर के 45,000 के पार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार का टेस्टिंग पर फोकस, पिछले 24 घंटे में देश भर में किए गए 2,30,000 से ज्यादा टेस्ट। इस बार सबसे ज्यादा बच्चों के चपेट में ले सकता है कोरोना, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 4 बच्चे, 2 और बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का दावा, दिल्ली में अगले कुछ हफ्तों में आएंगे कोरोना का पिक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स ने जारी की है एडवाइजरी, स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने की भी सलाह दी। बिहार के सोनपुर में दिन दहाड़े बैंक में 12 लाख रुपए की लूट, सुरक्षा कर्मी के बदमाशों ने मारी गोली और एक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर, वारदात के बाद फरार हुए बाइक सवार 5 बदमाश। मध्य प्रदेश के शहडोल में ज्वेलर की दुकान के सोने के जेवरात से उड़ी पांच महिलाएं और गहने देखने के दौरान की 40 लाख रुपए की चोरी। हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 7 पिस्टल, 4 कारतूस बरामद, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने एक नकली पुलिस वाले को किया गिरफ्तार, पान की दुकानों पर वर्दी का रौब दिखाकर करता था अवैध वसूली और आरोपी के पास से नकली आई कार्ड बरामद। बेंगलुरु में एक ऑटो से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी सूचना। हरियाणा के गुरुग्राम में पालतू डॉग पर मेड ने निकाला गुस्सा और घुमाते वक्त हमला किया तो गले की रस्सी से पकड़कर लिफ्ट की दीवार पर पटक पटक कर मारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।